अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है गए और मोहम्मद अलैहि सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है, लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझ सकें। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं, लेकिन मेरे दो दोस्त एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफरकु, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज है, जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है अगर इख्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतीउल्लाह वाती रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो, और वो लोग दोज़ हू हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स दो आलिम कोई भी इख्तिलाफ है आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास, फिर देखो कि कौन सा दोस्त कौन सा मुस्लिम कौन सा आलिम कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है, आप समझे। तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे, खाली नाम के मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई फ़ायदा नहीं, अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत ना हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, दोस्तों इस भाई का सवाल आप लोगों ने सुना है कि इसने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल किया लेकिन अब मैं किसकी बात मानूँ, शिया की बात मानूँ लेकिन सुनी की बात मानूँ, कोई शिया अलग नमाज पढ़ता है सुनी अलग नमाज पढ़ता है, उसके अपने अपने तरीके होते हैं। जिस पटा के जाकिर नाइक ने उनको बहुत बेहतरीन जवाब दिया है दोस्तों कि आप किसी को ना देखो, ना शिया को देखो ना सुनी को देखो, आप सिर्फ और सिर्फ देखो तो अपने कुरान मजीद और हदीस को देखो। अल्लाह तआला ने कुरान मजीद को
कुरान मजीद में क्या कहा है और कैसे नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों आजकल जितने भी लोग हैं वो अगर इस्लाम कबूल करना चाहते भी हैं तो वो फिर देखते हैं कि इतने फ़िरके हैं, हम किस किस फिरके में चले जाए, शिया है, सुनी है, वो पता नहीं हज़ारों फिरके बनाए हुए हैं इन लोगों ने। तो दोस्तों अगर मुसलमान कोई सच्चा मुसलमान है तो पहले उसको सबसे पहले अल्लाह ताला की किताब है जो है उसको पढ़ना चाहिए, फिर जो है हदीस को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें कौन सा रास्ता बताया है, हम किस रास्ते पर चले जाए, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें बताया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। दोस्तों जैसे कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से ताम के रखो, मजबूती से पकड़ो। तो अल्लाह ताला की जो रस्सी है दोस्तों ये कुरान मजीद है, हम अगर हम कुरान मजीद पर अमल करेंगे तो हम तमाम जितने भी रास्ते हैं, जितने भी अल्लाह ताला के अहकाम हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अभी अगर आपको कोई कहे कि कोई मुसलमान अभी हो गया है तो वो भी ये सोचेगा कि मैं किस तरह नमाज पढ़ूँ या किस के रास्ते पर जाऊँ, मैं सुनी के रास्ते पर जाऊँ, मैं शी के रास्ते पर जाऊँ, किसी के उसके रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको जो है वो सिर्फ सिर्फ स्टडी करनी चाहिए, तो उसको कुरान मजीद को स्टडी करना चाहिए, कुरान मजीद में जितने भी अहकाम हैं उसको स्टडी करना चाहिए, जितने भी हदीस के अहकाम हैं उसको स्टडी करना चाहिए, तब वो मुसलमान ही होगा। माशाल्लाह दोस्तों अगर देखा जाए तो इस भाई ने जो है वो इस्लाम में कबूल कर लिया है, लेकिन अब ये सोच में है कि शिया है के रास्ते पर मैं जाऊँ कि सुनी के रास्ते पर जाऊँ। दोस्तों जैसे कि दोस्तों अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया कि ए नबी जिन लोगों ने ये फिरके बनाए हुए हैं ये हम में से नहीं है। तो दोस्तों ये कितना बहुत बड़ा गुनाह है जो फिरके बनाते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन वो लोग भी जिनके पास जहन और सोच नहीं होते हैं, जो वो लोग भी जो है इनके पीछे चले जाते हैं, इनके रास्ते पर जाते हैं, इलम हो उनके पास, इलम सब कुछ होते हुए बावजूद भी वो लोग जो है इन बाइलम लोगों के रास्ते पर चले जाते हैं, पता नहीं कि इनके क्या होगा। दोस्तों आजकल जो दौर है इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है, जिसमें सब कुछ प्रूफ के साथ पड़ा हुआ है, और सबसे जो बड़ा प्रूफ है, जो सबसे बड़ा किताब है वो हमारा कुरान मजीद में, जिसमें जर्रे का जो है वो निशानदेही की गई है, हर एक मसले का जो हल है वो बताया गया है। तो हम फिर जो है वो शिया लोग के पास और सुनी लोग के पास क्यों जाते हैं, हमें सिर्फ सिर्फ अपने कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर उसको पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने भी खुद भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमतें हमारे साथ जरूर शेयर करें। वस्सलाम।